जी अस्सलाम वालेकुम सुहेलन अंजुम आप सबके साथ टीम अप की जानब से हाजिर है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं मस्त हैं और मज़े में हैं तो कैसे हैं आप सब लोग आप सब कोई तबीयत कैसी है तो मुझे एक चीज़ कन्फर्म करें कि आप सब को क्या मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है वो क्लियर नज़र आ रही है तो काइंडली कमेंट करें आप में भी आप सब में से कुछ लोग शौक हो सकते हैं कि मैं आज वकार भाई की आईडी के साथ आया हूँ एक्चुअली में वो स्ट्रीमिंग इश्यूज स्टिल जो हैं वो ऑन है तो उनको जो है आ, वो अहमर देख रहे हैं तो मुझे एक चीज़ आप कन्फर्म करें और आप जो है इस लाइव स्ट्रीमिंग को फर्दर किसी और लोगों से भी शेयर कर सकते हैं ग्रुप के अंदर ही जो हैं ताकि पता चल सके कि जी हमारी जो वॉइस और जो हमारी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है वो सब तक जा रही है ऐसे ही है क्लियर है कोई इशू तो नहीं आ रहा है यहाँ पर मैं आपके कमेंट्स पढ़ पाऊंगा इन मेरा ख़्याल है कि स्क्रीन के अंदर कोई इशू नहीं आना चाहिए ऐसा ही है क्लियर हो गया आप सबको मेरी वॉइस आप सबको क्लियर है और सुल अंजुम आप सबके साथ मुखातिब हूँ और मेरा ख्याल है कि स्ट्रीमिंग स्क्रीन में और मेरी वॉइसिंग में कोई इशू नहीं है तो क्या हाल है बाल हैं आपके कैसे हैं आप सबकी तबीयत कैसी है और आ, इन शाह हम अपना हमारा आज का एजेंडा जो है वो बहुत सिंपल है आ, पहले हम इन शाह कुछ देर तक आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे ताकि हमें मैक्सिमम गैदरिंग लोगों की मिल जाएगी तो हम इन शाह अपने एजेंडे पे मूव होते हैं एजेंडा कुछ भी हो सकता है आ, पहले तो मैं ये देखूँगा कि अगर आपका कोई ऐसा सवाल हो जिसको Uh, बहुत डिटेल से आंसर किया जाए तो वो लर्निंग ऑफ डे टिप ऑफ डे बन सके ऑफ कोर्स उसके बाद हम मार्केट पे मूव करेंगे एंड देन uh, ताला देखेंगे आपका मोस्ट फेवरेट पार्ट कि हमें अगर इस टाइम कोई रिकमेंडेशन जोन में कॉइन मिलता हुआ तो uh, उसको देखेंगे ठीक है जी तो क्या हाल भाई भाइय आपके कुछ सवाल है कुछ भी आपका तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं जो लोग भी कह रहे हैं कि जो वॉइस है उसको थोड़ा सा आप कर लें तो भाईजन मेरी तरफ से मेरा ख्याल है कि वॉइस मेरी बिल्कुल आप ही है आप थोड़ा सा अपना भी वॉल्यूम हाई करके देखें कि आपको क्या फील हो रहा है ठीक है जी क्लियर हो गया यहाँ तक सेशन क्लियर है और दूसरी बात मेरी स्क्रीन क्लियर है आ, स्क्रीन क्लियर है आपको सेशन क्लियर है यहाँ तक सेशन क्लियरिंग से मुराद ये है कि भाईजन वॉइस और स्ट्रीमिंग स्क्रीन क्लियर है जी सलाम अब्दुल्ला अब्दुल्ला अफरीदी भाई मार्जिन कॉल पे अ, बिल्कुल जी बिल्कुल ये ए, ये आपका एक वैलिड क्वेश्चन है मार्जिन से क्या मुराद है इस पर हम डिबेट कर सकते हैं अ, सही है जी बिल्कुल जी यस स्पॉट ट्रेडिंग वाले वैलिड होते हैं फॉर डे और मंथ और आवर समी खान भाई एक्चुअली में डिपेंड करता है कि आप किस नेचर के ट्रेडर हैं आप अगर कहते हो कि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ मतलब आप डेली के डेली प्रॉफिट कैश करना मुनासिब नहीं समझते आप कहते हो कि मैं तीन चार दिन या एक हफ्ते तक भी वेट कर सकता हूँ तो कोर्स आपके लिए स्पॉट ट्रेडिंग आ, स्विंग के लिहाज से बेस्ट है लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं मैं डेली के डेली कुछ ना कुछ कैश करना चाहता हूँ तो फिर आपको जो है डे ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी लेकिन अफकोर्स रिस्क भी है Uh, मतलब वो ऐसे ही है क्विक रिच क्विक लोस इस तरह का सीन भी होता है तो आपको अपनी इमोशंस अपनी नर्व से बड़ा काबू पाना पड़ेगा ठीक है जी वालेकुम सलाम र भाई कैसे हैं तो सर डॉट शॉट किया है ये सर शॉट का काम नहीं करना आपने तो शॉर्ट अभी शॉर्ट से परहेज करें ठीक है जी ओके जी सब क्लियर है अब चलते हैं हम अपने मार्केट अपडेट के ऊपर मार्जिन uh, लॉस का टाइम बढ़ता क्यों जाता है स्विंग ट्रेड के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है बिलाल गौरी भाई अच्छा क्वेश्चन है स्विंग ट्रेड के लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम है वो है फोर आवर वन डे इनके ऊपर आपको बेशुमार जो है आ, वो जो है ट्रेड्स मिलेंगी और मैंने आपके साथ एक स्ट्रेटी एक शेयर की थी स्ट्रेटजी शेयर की थी कि आप किस तरीके से स्पॉट ट्रेडिंग के क्वाइंस को हंट कर सकते हैं क्रिप्टो स्किनर के जरिए उसके लिहाज से स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से चलें जी आज आपके साथ एक बहुत ही एक्साइटिंग एक लर्निंग शेयर करूंगा कितने लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो स्किनर से स्पॉट ट्रेडिंग की स्विंग सेटअप को निकालना जानते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो स्पॉट ट्रेडिंग के लिए बेस्ट क्वाइंस फाइंड आउट करना जानते हैं क्रिप्टो स्किनर से कितने ऐसे लोग हैं तो मुझे बताएं फिर हम इन ताला जो है आ, मैं आपको आज ये वाली टेक्निक सिखाऊंगा क्रिप्टो स्कैनर में आपको बेतहाशा बाय और सेल के सिग्नल्स आते हैं तो उसी के ऊपर ही बात होगी कि आप किस तरीके से ऐसे क्वाइंस फाइंड आउट कर सकते हैं क्ले बहुत पम्प कर हैं सर बताएं वह लेवल पर आ गया है आपके बताए हुए लेवल पर क्या है नहीं सर क्ले का एक टाइम था जिसपे मैंने आपको क्ले का एक शॉर्ट ट्रेड बताया था और वो ऑलमोस्ट उससे नीचे जो है आ, काफी देर रहा है मतलब जो मैंने लेवल ऑफ बताया था तो मैं अगेन क्ले को चेक करता हूँ कि उसके चपेड़े पड़ने का इलाका आया या नहीं आया ठीक है जी बहुत लॉन्ग टाइम क्वाइंस बता दें वही सर आज का टॉपिक ही ये है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे क्वाइंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं सर शायद मेरा नाम अच्छा नहीं लगता आप कमेंट पढ़ते नहीं है नहीं जुल्फकार भाई आपका माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है मुझे आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है ठीक है समझाए दो ठीक है जी आज जो है हम ऐसी ही आ, इस तरह की ही लर्निंग एक इन शाह करेंगे और आप सब ने इस चीज़ के लिए रेडी रहना है और दूसरी बात एक बहुत इम्पोर्टेंट कि जो भी मेरे भाई बंधु जो हैं वो नए हैं इस ग्रुप के अंदर तो मैं उन सब से एक जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप जिंदगी में पैसे बनाना चाहते हैं और वाकई ही क्रिप्टो से पैसे बनाना चाहते हैं तो आपके लिए जो इस ग्रुप की गाइड है गाइड नंबर आपको मेरे मेरा छः मेरे पास मिलेगी यहाँ पे तो उसके अंदर मैंने क्रिप्टो स्कीनर के ऊपर भी काफी बात की है और जितने भी टूल्स इंडिकेटर्स हैं कि उनसे पैसे कैसे बन सकते हैं उन पर भी बात की है आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारा टाइम बहुत सारे वक़्त बर्बाद किया होगा पैसे भी ऑफकोर्स बर्बाद किए होंगे तो मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इस टाइम टाइम के बर्बाद करने की रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जहां जिंदगी में आपने इतना टाइम बर्बाद किया है वहां पे थोड़ा सा और बर्बाद करें और जो मैं आपको कह रहा हूं वो आपने देखना है ये नहीं कि एक ही दिन के अंदर सारी लर्निंग कर देनी है आप आ, डेली की एक दो वीडियोज देखें और वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनी हुई सिर्फ और सिर्फ तीस तीस या तीस तीस या बीस बीस मिनट की मैक्सिमम है पैसों बनने ना बनने ये तो अल्लाह ताला की रज़ा इसमें बहुत शामिल है इंसान की भी अपनी एक मिनट की गारंटी नहीं लेकिन मैं बहुत श्योर हूँ अल्लाह ताला की जात पे भी बहुत ज़्यादा भरोसा है कि आपने अगर वो लड़नी की तो आपका इन शाला पैसा भाई ज़रूर बनेगा बात आ गई समझ खैर ये गाइड सेक्शन मेरे पास खुल नहीं रहा आज मुझे वो हमारे एडमन हैं एक उन्होंने मुझे इनकी आई की एक्सेस दी है और कार की तो थोड़ी स्लो चल रही है आई डोंट नो वाई ठीक है जी क्रिप्टो स्क्रीनर यूज ऑडिटर आर बिल्कुल जी आप मेरे जो है पुराने स्टूडेंट हैं आपको पता है लेकिन हम एक और टेक्निक भी शेयर करेंगे ये बेसिकली वक्त के साथ सेंटिमेंट के हिसाब से ये चेंज होती है मैं आपको इस टेक्निक को बताता हूँ कि आप बाय और सेल के सिग्नल्स कैसे निकाल सकते हैं ठीक है थीके? तो चलते हैं बाकायदा इस लर्निंग टेक्निक के ऊपर तो आपको पता है कि ये है क्रिप्टो

ठीक है ये ऐसा ही क्रिप्टो स्कैनर शो होगा जैसा आपको अभी अभी जो मैंने रीसेट कर दिया ना अभी जो क्रिप्टो स्कैनर आपको शो होगा वो ही मुझे शो होगा बिल्कुल ही स्क्रैच से समझा रहा हूँ और आपको बेस्ट सिग्नल्स के लिए मतलब आप किस तरीके से लर्निंग कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो वो चीज सिखा रहा हूँ वैसे ये बहुत प्रीमियम कंटेंट था जब हमने फर्स्ट टाइम शेयर किया था और बेतहाशा लोगों ने फायदा उठाया हमें बहुत खुशी है मुझे बहुत खुशी थी पर्सनली जब आपको ये इनडेप्थ मैंने समझाया अच्छा अब इसके अंदर ना एक सेंटिमेंट देखना होता है सेंटिमेंट ये देखना होता है कि फर्ज करें कि ये मेरे पास ट्रेडिंग व्यू है आप कहते हो कि यार मार्केट तो इस टाइम सारी ही अप जा रही है ऐसे ही है मार्केट तो इस टाइम सारी ही अप गई हुई है लाइक अभी बीटी कॉइन ने आपको इक्कीस हजार डॉलर का मार्क दिखाया ऐसे ही इक्कीस हजार डॉलर पे ट्रेड होके दिखाया यहां पर आप अगर आप बिटकॉइन को देखो तो इक्कीस हजार डॉलर पे आपको इसने रिसेंटली टच करके दिखाया तो इट्स मीन कि वो 21000 डॉलर पे किस वैल्यू से गया हुआ था वो ऑलमोस्ट 19200 300 से पंप होते होते 21000 पे गया था तो मार्केट कौन सी कंडीशन में चलेगी थी भाईजान कौन सी कंडीशन में गई थी ओवरबॉट मतलब सब लोगों ने ही अगर बाय किया है तो वो ओवरबॉट कंडीशन में गई ना फर्ज करें कि मैं आपकी मिसाल लेता हूँ बड़ी सिंपल सी कि आप में से दस लोग हैं दस लोगों ने एक चीज को दो रुपए का बाय किया और वो दो रुपए की बाय करके बैठ जाते हैं तो अब आपने दस लोग मार्केट में बैठे हैं तो आप प्रॉफिट के लिए बैठे हैं ना तो आप कहते हो कि भाई हमने तीन रुपए की बेचनी है या चार रुपए की बेचनी है तो आप सारे लोग फैसला करते हो कि भाई हमने चार रुपए की बेचनी है तो इट्स मीन आपने बाय करके होल्ड कर ली अब न्यू बंदे ने अगर बाय कनी है तो वो चार रुपये की बेचेगा वो एक बच्चे का क्वेश्चन था मैं क्यों इतनी बेसिक आपको बात बता रहा हूँ कि मैंने कुछ पोस्टें देखी तो कहता है यार मुझे समझ नहीं आती कि प्राइस जाती कैसे ऊपर तो बहुत सिंपल और ऐसे ले मैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि भाई एक मजदूर भी समझ आए वो क्या होता है भाई कि चार रुपये पे वो सब लोग फैसला करते हैं कि भाई अब हमने चार रुपये की बेचनी है तो इट्स मीन कि अगर वो चार रुपये की बेच रहा है तो कुछ चार रुपए पे खरीदेगा तो उसकी बिकेगी ना तो अब जिन्होंने नेक्स्ट दस लोग आते हैं तो वो जब चार पे की बेच लेते हैं तो आपका क्या ख्याल है कि वो इतने सखी दिल तो हो गए नहीं कि वो चार पे की बेच के दो चार पे की लेके कर दो की बेच देंगे तो वो भी यही कहेंगे कि हम छः रुपए की बेचेंगे या हम की बेचेंगे तो सिमिलरली वो सब दस लोग फैसला कर लेते हैं कि भाई अब हमने आठ रुपए की बेचनी है तो भाई आप में से कोई बंदा होगा ना जाके आठ रुपए की खरीदेगा तो प्राइस आठ आट पे ऑटोमेटिकली चले जाएगी तो ये एक बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि प्राइस ऊपर जाने का अब फर्ज करो कि जिन लोगों ने उन्नीस हजार दो सौ पे बिटकॉइन बाय किया हुआ था अगर आज ये बीस पे है तो इट्स मीन कि वो ये जो प्राइस यहाँ तक आई हुई है कि सब लोगों ने फैसला किया हुआ है कि भाई अभी हमने नहीं सेलिंग करनी है हाँ अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो मीन होल्ड कर रहे हैं न्यू लोग बाय करेंगे लेकिन अगर वो भी बेच देंगे जिन्होंने 19,200 पे वो कहते हैं यहाँ से बेचना शुरू करो तो इट्स मीन प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी तो बेसिकली मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि आप स्पॉट के सिग्नल्स या स्विंग शॉट या स्विंग लॉन्ग किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं मैंने एक न्यू भी टेक्निक बहुत निकाली है आ, वो इन आपसे शेयर करूंगा लेकिन वो एम के साथ है फिलहाल तो मैंने बहुत बेसिक टेक्निक आपको समझाई थी आर के साथ आप एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे के सारे क्वाइंस कैसे देख सकते हैं लेकिन मेरी वो टेस्टिंग फेज में है वो आपसे मैं शेयर करूंगा जैसे कि मैंने आपके साथ एम ए ट्वेंटी सिक्स और एम ए ट्वेल्व की शेयर की थी और आई एम क्वाइट हैप्पी कि बहुत सारे लोगों ने उसके साथ प्रॉफिट बनाया और स्टिल बना रहे हैं तो अब यहाँ पर देखें मुझे पता है कि भाई मार्केट ओवरसोल्ड में गई हुई थी तो अब आप ऐसे क्वाइंस तो नहीं ना उठाओगे जिनकी आर एस आई तीस से नीचे होगी आप जाए आप जाए कि जी मुझे ऐसे क्वाइंस दिखाओ जिनकी आर एस आई इस टाइम सत्तर से ऊपर है और एक्सचेंज कोई भी आप बाइनेंस पे हैं आप बिटगेड पे हैं फर्ज करें कि आप में से मोस्टली लोगों ने फंड बिटगेड Bit पे ट्रांसफ़र किया हुआ है तो हम दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं एक्सचेंजेस आपकी मर्जी की ठीक है बाइनेंस और बिटगेड मैंने सेलेक्ट कर ली अब हम आपको एक चीज़ दिखाता हूं मैं कि अब यहां पर देखें कि जितने भी ये क्वाइंस शो हो रहे हैं आ, ये ऐसे क्वाइंस हैं जिनका करंट आर एस आई Uh, ये ऐसे क्वाइंस हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पे हैं और बिटगेट पे हैं, ठीक है और इनका आर एस आई सत्तर से ऊपर है अभी तो क्योंकि अफकोर्स मार्केट ने थोड़ी कुरेक्शन ली है तो अभी हम देखते हैं कि स्टिल कुछ ऐसे क्वाइंस हैं जो सत्तर से ऊपर है तो हम दोनों एनालिसिस को देखेंगे कि ऐसे क्वाइंस जिनका आर एस आई सत्तर से ऊपर है ऐसे क्वाइंस जिनका आर एस आई तीस से बिलो है तो अब जैसे ये देखें कि आई एल वी टू बी यू एस डी एंड यू एस डी ये बाइनेंस का पेयर है अब मैंने इसके ऊपर अगर सिलेक्ट किया तो ये क्योंकि क्रिप्टो स्किनर काम करता है वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर तो हम इसका वन डे के ऊपर ही चेक करेंगे अब यहां पर देखें एक कमाल की बात ये है लर्निंग के लिहाज से मैंने क्या सिलेक्ट किया था कि ऐसे कॉइन दिखाओ जिनकी आर एस आई किस पे हो 70 से ऊपर हो अब यहां पर देखो कि ये इसकी आरएसआई 70 से ऊपर गई थी और ये पॉइंट था और मेरी इनिशियल लर्निंग्स के अंदर आप लोग अगर चेक करें मैं आपको क्या कहता था कि अगर आप वन डे के अंदर देखें एटलीस्ट कि आरएसआई आपकी बिलो 20 है और अबव 80 है तो आपकी ट्रेड के जो सक्सेस रेशियो है वो

हम भी ऐसे हैं कि हम करेंगे फ्यूचर्स ही और हम हमारे साथ बात लेवरेज की किया करो कि हम हमें क्योंकि डेली के, के प्रॉफिट चाहिए तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए कि मैंने आईएलवी को सिलेक्ट किया क्रिप्टो स्कीनर से मैं देखना चाहता हूँ कि भाई इसका सिग्नल बनता है या नहीं बनता सत्तर से ऊपर आर का मतलब ये था कि आर एस भाई साहब ने एटी का आपको टच दिखाया कितना दिखाया एटी का आप मुझसे सवाल कर सकते हो यार सुल भाई हमें ख्वाब आनी है या हमारे फरिश्तों ने आके हमें कॉल करनी है कि भाई आई जो है वो भाई साहब यहाँ पे जा रहे हैं तो जो एक अच्छे ट्रेडर्स होते हैं उनके स्क्रीन के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास फोर स्क्रीन का सेटअप है एक स्क्रीन पे क्वाइन ग्लास का डाटा आ रहा होता है ठीक है और एक स्क्रीन के ऊपर आप क्रिप्टो स्कैनर 30 से बिलो और 70 से अब क्वेंस का भी डाटा मुझे वो दे रही होती है इवन अलर्ट्स भी लगी होती हैं तो आप भी इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो अब यहाँ पर देखें कि इसकी 70 से ऊपर आर था और डेली के ऊपर था तो इट्स मीन के आपकी सक्सेस रेशियो इसके अंदर 50 60 परसेंट हो सकती है आप कहते हो कि नहीं भाई मैं इतना शार्प नहीं कि मुझे एग्जैक्ट यहाँ से ट्रेड मिलेगी कि 82 से रिजेक्शन होगी आप 80 से ट्रेड लेने में कामयाब हो जाते हैं या आप चलो जी सेवेंटी एट से भी ट्रेड देने में कामयाब हो जाते हैं तो आप इमेजिन करें कि आपको मैं अगर लेवरेज के लिहाज से समझाऊं वही चीज़ आपको समझ आएगी कि अभी तक ये 16 परसेंट डाउन है 16 परसेंट डाउन का मतलब ये है कि मैं कम से कम लेवरेज जो हर अपने नए बच्चे को रिकमेंड करता हूँ कि पांच एक्स से ऊपर नहीं जाना अगर आपको ज्यादा ही ग्रीड है तो आप दस एक्स पे जाए अगर आप बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो भाई आप बीस लेवरेज सेलेक्ट करें इससे ऊपर की नहीं तो स्टिल जो है आप 160% परसेंट के गेन में आते हैं आप 10% परसेंट मेकर और टेकर फी निकाल दें मतलब जो आपने ट्रेड ओपन की और क्लोज की तो 150% परसेंट का प्रॉफिट 150% परसेंट के प्रॉफिट से मुराद यही होता है कि अगर आपने 100 डॉलर लगाए थे तो आप 160 डॉलर कमाने में कामयाब हुए अभी तक अगर आपने हजार डॉलर लगाए थे तो आप 1650 डॉलर अभी तक कमाने में कामयाब हुए एंड वाइस वर्षा अगर दस हजार थे तो आप इस टाइम 16000 हजार डॉलर कमाने में कामयाब हुए तो ये डिपेंड करता है कि एक बंदे का रिस्क लेना दस हज़ार डॉलर से भी वो रिस्क ले सकता है एक बंदा कहता है यार मैं तो सौ डॉलर से ज़्यादा का रिस्क नहीं ले सकता एक बंदा कहता है जी बिल्कुल मैं पांच सौ डॉलर तक का रिस्क ले सकता हूँ एक बंदा आता है कहता है जी बिल्कुल मैं जी मेरी इमोशंस जो हैं वो पंद्रह डॉलर के रिस्क को सपोर्ट कर रही है तो इस तरीके से आप इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं अभी जैसे कि मैंने बताया कि ये डेली टाइम फ्रेम की RSI को मैं हमेशा प्रमोट करता हूं कि अगर आप आर एस आई बेस्ड ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप एक फाइनल लर्निंग आपसे मैं शेयर करता हूं आर के लिहाज से फर्ज करें कि हम ज्यादा दूर नहीं जाते ये ट्यूजडे बीस सितंबर की बात है ये मेरे मेरे पास कतर में हूँ लेकिन इस टाइम मैंने पाकिस्तानी टाइम सेलेक्ट किया हुआ है तो अट्ठाइस है तो ये देखें जी सितंबर uh, 21 के अंदर इसका आर 22 के ऊपर था मतलब 25 से बिलो था तो ये वाला एरिया है भाईजान ये वाला 52 का एरिया था ये वाला ठीक है आई का 52 का एरिया था और आप ये देखें कि 52 के बाद अगर मैं अपनी इसी आर एस आई यहाँ पर मेरे पास अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन मिलती है अगर मेरे पास ये वाला एरिया है ठीक है जी ये अब ये एरिया ही है ना एग्जैक्ट अगर आपके साथ मैं लर्निंग शेयर कर रहा हूँ अब ये यहाँ पर वो ये वो वाहद एरिया है जहां पर हमें ये एक ट्रेड की कंफर्मेशन बता रहा है कि जी एग्जैक्ट आप ट्रेड ओपन कर सकते हैं स्पॉट uh, के लिहाज से तो एग्जैक्ट मैं बाय का बता रहा हूँ कि आप कर सकते हो आप ये देखो कि क्या इसने इस एरिया के बाद कितने परसेंट गेन दिया हम वैसे तो ये विक बड़ी ऊपर तक लगी हुई है यहां तक लेकिन हम कहते हो कि नहीं भाई हमने इतना ऊपर नहीं जाना रियलिस्टिक रेजिस्टेंस हमारी इस एरिए के करीब है तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट लेके निकलना बनता है तो यहाँ पर भी देखें कि आप मैक्सिमम 12 के प्रॉफिट को कैश करने में कामयाब हो सकते थे अगर आपको यही टेक्निक आती होती और आपको क्रिप्टो स्कीनर से सिग्नल बनाना आता होता और आपको पता होता कि यार अभी जैसे एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि मुझे नहीं पता चलता यार मैं कौन सा क्वाइंट बाय करूं स्पॉट की होल्डिंग uh, मैं कैसे कर सकता हूँ वीकली बेस पे मंथली बेस पे तो दिस इज वन ऑफ द वे कि आप इस तरीके से भी क्वाइन फाइंड आउट कर सकते हैं एनालिसिस कर सकते हैं और होल्डिंग भी कर सकते हैं अल्लाह ताला की जात बहुत बढ़ी है अपने नसीब की दुआ मांगनी बिल्कुल नहीं छोड़नी हज़रतली रजीम के कॉल के मुताबिक कि मैंने बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग नसीब वालों के दर पे देखे हैं तो यहां तक मुझे बताएं कि सेशन क्लियर हुआ है आप बेशक आपको स्पॉट का थे आप कहते हो कि नहीं यार मैं लेवरेज वाला बंदा भी हूं तो आपको लेवरेज से भी यहाँ से क्वाइंस मिल जाएंगे कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जी बिल्कुल हमें आ, यहां तक का सेशन क्लियर है एंड वी आर नाउ अवेयर कि हम किस तरीके से स्पॉट होल्डिंग एंड स्पॉट क्वाइंस फाइंड कर सकते हैं फिर एक बंदा और आता है कि जी वो भी कहता है कि जी बिल्कुल न मुझे कुछ हद हाँ तक क्लियर हो गया है कि मैं एक ऐसा एरिया में शॉट पकड़ने में कामयाब हो जाऊँ कि उसको इतनी चपेड़े पड़े कि मेरी जिंदगी बेहतर हो सकती है चपेड़े क्वाइन को पढ़ रही हैं लेकिन आपकी जिंदगी जो है बेहतर हो रही है क्लियर हो गया यहाँ तक सुल भाई डोज क्वाइन एटी फोर से बैठा है इसका प्लीज बताएं अब अब देखे, ये देखें ये क्वेश्चन है ना मुझे कोई आइडिया नहीं है कि डॉज कॉइन की आर एस आई एट पे है नहीं है बट मैंने आपको क्या कहा है कि अगर आप न्यू भी हैं आप नए पुराने जैसे भी ट्रेडर हैं तो आपने डेली की आर एस आई के ऊपर फोकस करना है ठीक है अब ये मैंने आपके सामने डॉज टू यूएसडीटी टी का पेयर खोलने की कोशिश कर रहा हूँ अगर ये खुल जाए अच्छा जी ओ जबरदस्त है यार डॉज कॉइन का आई डोंट पता नहीं एलन मस्क साहब ने कोई ट्वीट लगाई है या नहीं लगाई तो 83 के ऊपर आर है अब हम लोग देखेंगे एक पेपर ट्रेड के तौर पे एरिया आप सब लोगों ने पेपर ट्रेड करनी है और रियल ट्रेड नहीं करनी ठीक है मेरी बात क्लियर हो गई सर हाउ कैन वी आइडेंटिफाई आरवे की प्राइस सत्तर पे इतनी जानी है न, 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 नवेद बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका यही तो क्रिप्टो स्क्रीनर बताएगा आपको सर यही तो क्रिप्टो स्क्रीनर बताएगा आपको कि वो जानी नहीं होती वो आपको क्रिप्टो स्क्रीनर बताएगा इवन आप अलर्ट भी लगा सकते हैं अगर आपको मैं बताऊं यहाँ पर आप जो है अलर्ट लगा सकते हैं अलर्ट कैसे लगाएंगे फर्ज करें मैं आपको बताता हूँ ये आप प्लस का निशान देख रहे होंगे ये यह यहाँ पर अगर कोई बंदा मोबाइल पे है तो उसके लिए मैं माजरत खुवाऊं लेकिन अगर कोई बंदा पीसी पे बैठा है तो वो बंदा इस चीज का गवाह रहेगा कि ये अलर्ट के लिए मुझे यहाँ पर ये प्लस का निशान नजर आ रहा है ठीक है फर्स्ट करने के मेरे पास जो एक एरिया ऑफ अलर्टनेस है वो तो है एक जीरो पॉइंट जीरो एट टू फाइव का डॉज क्वाइंट के लिए एंड सेकेंड एंड लास्ट एरिया इज एट नाइन का ये है भाई इसकी मैक्सिमम सप्लाई जोन ठीक है अगर इसको चपेड़ें पड़ती हैं तो इस जोन से पड़नी चाहिए मेरे ख्याल में आप और मैं दोनों ही इसको पेपर ट्रेड के तौर पे लेंगे आप में से कोई बंदा बहुत कॉन्फिडेंट है तो वो इसको ट्रेड के लिए कंसिडर भी कर सकता है अब ये थर्टी एट परसेंट आप है आई एम एक्सपेक्टिंग ये मैक्सिमम भी जाए तो ये फोर्टी फोर्टी फोर परसेंट के ऊपर भी जाके यहाँ से इसको जो है सप्लाई जोन मिले अच्छा अब जो है मैं आपको बता रहा था कि आप अलर्ट कैसे लगा सकते हैं ये आप आर एस आई के ऊपर भी अलर्ट लगा सकते हैं आप चार्ट के ऊपर भी अलर्ट लगा सकते हैं यहाँ पर देखें मैंने मेरे पास ये प्लस निशान आ रहा है तो मैं जी इस प्लस निशान को ये देखें जी यहाँ पे मुझे इसने ऑप्शन दे दिया एड अलर्ट फॉर डॉच टू यू एस डी टी एट जीरो पॉइंट जीरो एट एट एड अलर्ट फॉर फोर ई एम ई मैं फोर ई एम ई के ऊपर भी अलर्ट लगा सकता हूं आप अगर पेपर ट्रेड कर रहे हो तो बाय और सेल क्रिएट न्यू ऑर्डर ड्रा होरिजेंटल लाइन तो मैं यहाँ पर जो है एड अलर्ट लगा सकता हूं मैं फोर ई एम ई के ऊपर भी अलर्ट लगाता हूँ लेकिन आप बेसिक अलर्ट चेक कर लें, ठीक है जी अब ये देखें मेरी एक अलर्ट यहाँ पर एक्टिव हो गई है अ यहाँ पर ठीक है जी एक मेरी जो बेसिक अलर्ट है वो एक्टिव हो गई है आई होप सो हो के ये चीज आपको आ, समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आप जो है अलर्ट लगा सकते हैं और आप इंडिकेटर्स के ऊपर भी अलर्ट लगा सकते हैं इवन आप आर के ऊपर भी अलर्ट लगा सकते हैं तो अलर्ट का सेक्शन क्लियर हो गया और चार्ट के ऊपर अलर्ट कैसे लगा सकते हैं वो क्लियर हो गया क्लियर हो गया जी बेस्ट सीन इट अवेलेबल इन मोबाइल प्लस आइकॉन जबरदस्त है सुल भाई एक लेक्चर लिया था उसमें कह रहे थे कि आर ऊपर आई रखे और डाउन आपको साइडवेज का पता चलता है <laughs> आप क्या कहते हैं सर साइडवेज की तो ये न्यूट्रल हैं जो फोर्टी में घूम रही होती हैं और मैं तो आपको से किया है लिक्विडिटी यह है बिल्कुल अच्छा जी क्ले का मैं इसलिए भी करना चाहूंगा क्योंकि क्ले भी कह रहे हैं कि बिल्कुल है, कर रहे है, तो वाई नॉट ब्रदर्स आप मेरे लिए अप्रीशियस है आप सब लोग तो मैं आपकी जो है आ, इसकी रिस्पेक्ट करूंगा अब यहाँ पर देखें आ, आल दो के हमें मैं ये भी देखना चाहूंगा कि यार क्रिप्टो स्कीनर मुझे क्या इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है क्ले की क्ले की भी तो आर 70 से ऊपर है ना हम क्रिप्टो स्कीनर की भी एक्यूरेसी को चेक करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है क्ले पड़ा हुआ या नहीं पड़ा हुआ आ, हमें क्ले का इसको बताना चाहिए अगर मेरे पास फिल्टर्स दोबारा से चेक कर लो सिक्सटी है ना आप इसको बेशक सिक्सटी नाइन कर लो लेट सी के हमें पास आ, क्ले आता या नहीं आता क्योंकि क्ले हम लोग चेक कर रहे हैं बायनैंस पे तो बी को गुफार करवा देते हैं नाउ लेट्स चेक के हमें जो है क्ले आता या नहीं आता ठीक है जी अब ये ऐसे सारे क्वाइंस जिनकी आर एस आई सत्तर के करीब है हमें वो दिखा रहा होगा ठीक है स्पेशली बायस पे जैसे हमने ALV to BUSD पिक किया था वहाँ से ठीक है जी और उसके बाद ये YFI to BTC का पेयर ऊपर गया हुआ है MFT to Ethereum का पेयर ऊपर गया हुआ है अच्छा आपने ऑल्ट कॉइंस के पेयर के अंदर ऑल्ट कॉइन को ट्रेड नहीं करना आप मोस्टली देखेंगे USDT के पेयर्स जी, ठीक है जी यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, क्ले भाई साहब ये देखें जी क्ले टू BTC टी सी क्ले टू यू एस टी टी कले टू बी टी सी पता नहीं इसकी आर एस आई क्या चल रही है हमें यहाँ पर क्ले टू बी टी सी हैवी पंप है और क्ले टू यू एस टी टी पी टी सी पेड़ दिखा रहा है लेकिन यू एस टी टी पेड़ नहीं दिखा रहा आई डोंट नो वाई तो लेकिन ऑफकोर्स चलिए खैर है कोई बात नहीं यहाँ पर देखें कि ये हमारी पहला ट्रेड जोन था जो हमने कवर किया अब ये मेरे पास क्ले दोबारा खुल गया है क्ले के एनालिसिस पे जाते हैं और मैंने ये बताया था कि जी ये यहाँ पर इसके ज़ोन्स थे पेड़े पढ़ने के लेकिन सीन इज के एट दैट टाइम हम इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करने में कामयाब हो गए थे अगर आप चार्ट चेक करें तो ये ऐसा जोन था ये वाला जिसके अंदर से ये आपको ऑलमोस्ट इसने वन पॉइंट पॉइंट वन एट तक की ऊंची आर ओ दिखाई थी ठीक है पॉइंट वन एट का मतलब यह है कि यहाँ से ये यह कितना नीचे गया था ऑलमोस्ट अट्ठारह परसेंट उस टाइम नीचे गया था ठीक है अब जो है क्ले का ये एक तो लिक्विडेशन पॉइंट आ गया और दूसरा हमने ये देखना है कि अब इसके पास जो है सप्लाई जोन कहाँ से जनरेट हो रही है ये मेरे पास फोर आवर का चार्ट है और क्ले भाई साहब इस टाइम भी ट्रेड हो रहे हैं पॉइंट टू सेवन जीरो थ्री के ऊपर तो नेक्स्ट जो इनके पास एक रजिस्ट एरिया है वो पॉइंट टू एट फोर का है एंड फाइनली फाइनली ये वाला एरिया है ये है भाईजान इसका चपेड़े पड़ने का जोन सप्लाई जोन लेकिन मैं आपके साथ एक और चीज़ भी शेयर करूं कि क्ले की अगर आप आर एस आई देखें 81 वन है और मैक्सिमम मैक्सिमम यहाँ पर जो है हमारे पास रेजिस्टेंस है वो 82 के ऊपर आती है तो हम सिर्फ पेपर ट्रेड करेंगे हम ट्रेड नहीं लेंगे मैं बारह दफा कह रहा हूं अब टू सेवन जीरो नाइन है ना तो आप ये एरिया देखें कि पॉइंट टू एट फाइव तक अगर आपको शॉर्टिंग मिलने में कामयाब हो जाती है तो आपको ये एक अच्छी ट्रेड दे सकती है वरना एक आपको स्विंग सेटअप के तौर पे भी ये एक ट्रेड सेटअप दे रहा है शॉर्ट के अंदर कि आप 2750 से लेके छोटे छोटे स्मॉल ऑर्डर टू एट फाइव जीरो तक बुक करें तो आपको डेफिनेटली जैसे हमने फर्स्ट टाइम इसका एक शॉर्ट रेड एक्टिव करने की कोशिश की थी तो अठारह परसेंट तक गया था अफकोर्स वो नसीब वाले और जो स्मार्ट ब्रेन था वो प्रॉफिट बनाने में कामयाब हुआ नेक्स्ट इसका जोन ये है और आ, मैंने आपको एरिया कौन सा बताया है जी ये एरिया है इसके चपेड़े पड़ने का और स्टॉप लॉस जो इसका होगा अगर कोई बंदा कहता है कि जी मुझे स्टॉप लॉस का भी बताएं मैं तो बड़ा रिस्क मैनेजमेंट का पापी आदमी हूँ स्टॉप लॉस देता हूँ तो मैं यहाँ पर ठीक है जी आप थ्री परसेंट टू परसेंट टारगेट कर लें और आपकी रिस्क टू रिवार शो बहुत अच्छी बन जाएगी पॉसिबल इसके जो गिरने के एरियाज हैं वो ये वाले हैं पहला एरिया स्थाई सौ नौ है चेक करें कि पहला टारगेट इसका जो हो सकता है वो छब्बीस चौंतीस हो सकता है सेकेंड टारगेट इसका हो सकता है ये वाला पच्चीस सोलह uh, मैंने तो ले लिया भाईया अगला सेकेंड आ गया अगला मिनट आ गया मेरा वेयर इज माई प्रॉफिट वेयर इज सुहेल जिसने कहा था ट्रेड लेनी है तो दिस थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड क्लियर हो गया यार सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपके साथ आज स्पेशल और प्रीमियम बेस लाइव सेशन किया जा रहा है आप ये चीज समझने में कामयाब हों कि आप किस तरीके से वो पेड्स निकालने में कामयाब हो सकते हैं जिनके अंदर आप सबसे पहले तो आपने मार्केट का सेंटिमेंट देखना है कि बी में कितनी अप्रिसशन आई हुई है एथेरियम की मार्केट में कितनी अप्रिसिएशन आई हुई है कि कितने परसेंट वो ऊपर गेमें हैं वो दोनों मार्केट्स ठीक है अगर आप देखते हो कि यार बिटकॉइन भी 10-20 परसेंट ऊपर है और आपका अथीरियम भी इतना ही ऊपर गया हुआ है तो आप देखेंगे कि आर्ट क्वाइंस ऐसे आर्ट क्वाइंस जिनकी आर एस आई सत्तर से ऊपर है तो रख के चपेड़े पड़ने के एरियाज उनके आए हुए हैं ठीक है थीके? तो ये चीज़ आपने देख ली है अब यहाँ पर हम लोग और भी यू एस डी टी पेड़ के अंदर क्वाइंस फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें मिल जाते हैं जैसे हमने आई एल वी को स्टडी किया और प्रॉपरली उसको देखने की कोशिश किया कि भाई उन्होंने ट्रेड लै होंगी तो कि लै सकते ठीक है जी अभी मेरे पास मोस्टली आ रहे हैं इसके बिलो के लिहाज से भी देखते हैं तो यहां तक मुझे आप थोड़ा सा बता दें कि यार सेशन क्लियर हुआ है फाइंड आउट करने के तरीके पता चले क्वाइंस फाइंड आउट करने के तरीके पता चले क्ले कुछ पेड़े पड़ेंगी और मैंने कहा था कि ये एक अच्छा स्विंग है आर एस आई इसकी वन डे के ऊपर जो है Uh, ये ए, फोर आवर के ऊपर एट्टी है एंड देन मैं अगर इसके ऊपर आऊं वन डे के ऊपर वन डे के ऊपर ये सत्तर के करीब है ठीक है तो लेट सी यहाँ से नीचे जाता है ब्रो आपने बिलो सिक्सटी नाइन ओवर लगाया हुआ है ओ यस ये, तुम एक वाहद आदमी हो जो जाग रहे हो हाँ हमें यहां से देखनी है चलो जी हम लोग देखते हैं इसको 69 से बिलो की आरएसआई दिखाया लेकिन उसकी 70 चल रही है तो हम लोग कहते हैं कि हमें ऐसे कॉइंस uh, दिखाएं जिनकी आरएसआई जा रही है इस टाइम अबव 69 हम देख दें क्ले आंदा या नहीं आंदा जबरदस्त यार ये क्ले टू यूएसडीटी पड़ा हुआ है ना यहाँ पे क्ले टू बीयूएसडी भी पड़ा हुआ है आई लाइक प्रो यू आर द वन तो सिर्फ तुम ही जाग रहे हो बाकीया <laughs> लोग सो रहे हैं इस टाइम ख ले हमें क्ले मिल गया है क्रिप्टो स्क्रीनर इज वेरी अथेंटिक थिंग क्लियर हो गया थैंक यू वेरी मच गुलाम मुस्तफा भाई कह रहे हैं मेरा हमेशा क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई मेरे चांत मेरे मन मेरा शहजादा है तू तो हूं सवाल पूछ मैं तेरा सवाल का जवाब दे के अगे जावा तो डॉज क्वाइन एंड क्ले क्वाइन एंड आई एल वी क्वाइन इसके ऊपर हमने आज लर्निंग पे फोकस किया है इसके ऊपर जो है हमने आज सीखने की कोशिश की है इसके ज़रिए हम जो है हमने ये कोशिश की है कि हम लोग ये फाइंड आउट कर सकें कि हमें स्पॉट ट्रेडिंग के लिए कैसे कॉइन्स मिल सकते हैं हमें एक अच्छी ट्रेडिंग कैसे मिल सकती है शॉर्ट के लिहाज से वो चीज मैंने आपको बताई है आई की मौत हो चुकी है अब आप मौत चेक करनी है तो क्ले की और डॉज की चेक करनी है डॉज की चेक करनी है कि इनकी क्या मौतें वाकया होती हैं। ये देखें ना ये आपको मैंने बताया है इस एरिया तक एट नाइन ये हैवी पंप ले रहा हुआ है तो अगर तो ये 90 अब आप चले जाती है तो जबरदस्त थिंग लेकिन आप क्ले की मौत देखें और डॉज कॉइन की मौत देख रही है आपने गुलाम उसफा भाई का सवाल नहीं आया हाउ टू ओपन क्रिप्टो स्किनर ब्रदर बहुत आसान है अगर मैं आपको बता दूं कि मोबाइल वाले लोग जो हैं कैसे अच्छा जी गुलाम वन आवर टाइम फ्रेम में डिमांड्स ऑन बिलो कितनी रेड कैंड हो स्पॉट ब्रेक होती है नेक्स्ट uh, टेस्ट होती है चले जी आपका बिलाल भाई क्वेश्चन आ गया क्या नाम है आपका जो भी था तो अब उन्होंने कहा है कि कि जी आवर पे पे हमें बताएं डिमांड जोन कितने नीचे आ जाए चले वन आवर का चार्ट खुला हुआ है ठीक है और जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि वन आवर टाइम फ्रेम पे हम अपने बीटीसी को स्टडी करेंगे ठीक है जी अब भाई का क्वेश्चन ये था कि कितनी ऐसी कैंडलें होंगी कन्फर्म हो जाए कि भाई हम लोग जो है फारग हो गए हैं उस डिमांड से या हम लोग जो है उस रेजिस्टेंस एरिए को उस एरिया को डिच करवा चुके हैं यही सवाल था ना अब मैं आपसे एक बड़ा छोटी सी इल्तजा करूंगा मैंने आपको बहुत दफा समझाया है कि हम लोग किस को सक्सेसफुल ब्रेकआउट कहते हैं या कन्फर्म ट्रेड किस पे कहते हैं जैसे हमारे पास अ ये एक एरिया था आ, ये वाला मैं आपको अभी कंफर्म करता हूँ ये वाला एक एरिया था that, बीस हजार चार सौ का या बीस हजार सौ का एरिया था अब इसके बाद हमें ये देखें कि एक दो तीन कैंडलें ऐसी मिली ये वाली के जो ये कंफर्मेशन दे रही हैं कि भाईजान इस एरिया से हम बाहर आ गए अब ये एरिया जो पहले एज आ का किरदार अदा कर रहा था अब वो सपोर्ट बन गया तो आपने देखा कि अगेन जब पंप हुआ है तो उसके बाद वो उसी एरिया के ऊपर दोबारा डंप होने के बाद आपको पकड़ा है तो मैं आपको कहता होता हूं कि कि भाईजान आप करें आवर की दो कैंडलें वन डे का मिनिमम एक कैंडल आपको अब मिले उस एरिया से तो आप कहते हो कि हाँ भाई ठीक है हम ऊपर जा रहे हैं उस एरिया से तो इसी तरीके से आपने वन आवर में देखें चार आवर की कैंडलें में वन आवर की कितनी होंगी चार तो आपने मिनिमम तो पांच छह कैंटले देख लिया ना कि हाँ भाई हो गया ब्रेकआउट तो सवाल तो आपका यार बहुत सिंपल था मुझे सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं आपका लगा क्रिप्टोनर मोबाइल पे कैसे चेक करें सैफुल्ला खान भाई मैं आपको बता देता हूँ मैं क्रिप्टो स्कैनर मोबाइल पे चलाता हूँ देखता होता हूँ आपको क्रिप्टो स्किनर मोबाइल पे डायरेक्ट नहीं मिलेगा कि आप जो ट्रेडिंग व्यू की ऐप करते हो ठीक है आपके मोबाइल के अंदर जो है अ आपके जो मोबाइल के अंदर है क्रोम भी होता होगा डेफिनेटली गूगल भी होता होगा तो उस गूगल पे क्लिक करें और गूगल पे क्लिक करने के बाद आप उस जैसे मैं यहाँ पर अकाउंट कैसे बना रहा हूँ ये मेरे पास गूगल ओपन है ना तो मैं ट्रेडिंग व्यू लिखता हूँ तो वो आ जाता है तो वो जो क्रोम ओपन करेंगे ना वहां से आपने ट्रेडिंग व्यू की आईडी अपनी लॉगिन करनी है तो ऐसे ही एक टैब बना हुआ आपको नजर आएगा जब वो आप राइट क्लिक करते हो साइडों पे तीन ऑप्शंस पे तो आपको वह नीचे बता देता है कि क्रिप्टो स्कीनर भी देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते तो वो सीन है आपका ठीक है तो इस तरीके से आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि यहां तक का सेशन आपको क्लियर होना चाहिए बट सर मार्केट सेंटीमेंट चेक करना होगा इफ बी इतने पंप करते हैं भाई उन्हीं का तो चेक करना है कि आपका जो है अगर बी मार्केट बहुत ऊपर जा रही है तो इट्स मीन आपको ऐसे आर्ट्स देखने हैं जो आपको सेवेंटी अब से ऊपर लेके गए हुए हैं तो सर इस तरह तो एक दिन आप वी शेप लर्निंग पे भी कंप्लीट लेक्चर दें सबा रही भाई मेरी बहन मेरी प्यारी बहन मैंने बहुत दफा वी शेप लर्निंग करवाई है बहुत ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी सेशन के अंदर मैंने आपको वी शेप लर्निंग के बारे में बताया है आपने वी शेप लर्निंग चेक करनी है तो ये मेरे आप लिस्ट के coins चेक कर लें इनका आप स्क्रीन ले लें वी शेप लर्निंग आपको सिखाई गई थी नियर के ऊपर वी शेप लर्निंग आपको सिखाई गई थी रियून कॉइन के ऊपर वी शेप लर्निंग आपको सिखाई गई थी एल्फा कॉइन के ऊपर

हम लाइक करेंगे डेली का टाइम फ्रेम या एटलीस्ट फोर आवर का टाइम फ्रेम वी शेप लर्निंग के ऊपर ठीक है हाँ अब ये देखें कि आपको जिंदगी में पता चल जाए कि यार यहाँ से ही बाय करना है यहाँ सेल करना है तो क्या ही मजे की बात हो जाए अब ये ये ग्रीन लाइन मैंने ऑलरेडी लगाई हुई है ठीक है तो एक दफा आता है ये एक्चुअली में ये जो हमारी ये रेड लाइन थी ना ये वो रेड लाइन क्रॉसिंग एरिया थी ये तो लिक्विडेशन है बेसिकली ठीक है ये लिक्विडेट किया हुआ लोगों को यहाँ पर आपको बताया बाय करना है 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 तो ये थी भाई वी शेप लर्निंग कुछ लोग इनको आपको बताएंगे आ, बड़े फैंसी से टूल्स एंड इंडिकेटर्स लगा के के कुछ लोग जो हैं आपको बड़े फैंसी टूल्स एंड इंडिकेटर्स लगा के भी ये चीज सिखाते हैं और बताते हैं वो उनको हारमोनिक्स भी कहा जाता है बैट पैटर्न भी कहा जाता है वो केकरे पैटर्न भी कहा जाता है स्टार फिश पैटर्न भी कहा जाता है मतलब इस तरीके से आपको जो है रंग बिरंगे पैटर्न आपको नजर आएंगे लेकिन बेसिकली वो उठा यही रहे होते हैं कि अगर आप ये चीज चेक करें तो बेसिकली वो डिमांड जोन ही पिक कर रहे होते हैं जिनको मैंने वी शेप लर्निंग का नाम दिया हुआ है तो यही कहते हैं ना कि जी हमारे जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं वो यहाँ से हमारी बाइंग है तो हम लोगों ने यहाँ पे टारगेट करना है हम लोगों ने यहाँ पे टारगेट करना है हम लोगों ने यहाँ पे टारगेट करना है तो मैंने एक आम बंदे के लिए ही इतना आसान करके समझाने की कोशिश की है कि ये बेसिकली फेबुनाची नंबर्स का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है हारमोनिक्स एंड बैड पैटर्न्स के ऊपर तो एक आम बंदा जो बिल्कुल नहीं जानता कि ये फेबोनाची नंबर्स क्या हैं, इलियट वेव क्या है उसको मैंने एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक के वी शेप लर्निंग के लिहाज से मैंने उसको समझाने की कोशिश की है कि हाँ यार ये चीज आप लर्न कर सकते हो और इसको हम वी शेप लर्निंग कहते हैं ठीक है तो आई गेस आपको समझ आया होगा आप मेरा रिन उठा के देख लें आप सोल क्वाइन उठा के देख लें ठीक है जी सोल क्वाइन बिलो ट्वेंटी एट तक हमारी सेंटिमेंट आ गई थी कि हमने वहाँ से बाय करना है ये देखें ये लगाया हुआ है इसके साथ तो आप आज देख लें कि ये सारे जो हैं अपने रिकमेंडेड बाय जोन से आप हैं आप नियर कोइन उठा के देख लें बिलो थ्री डॉलर बिलो थ्री डॉलर मैंने बहुत कहा है, इवन मैंने काफ़ी दफ़ा कमेंट्स भी किए हैं कि आप बिलो थ्री डॉलर रियून कॉइन उठा लें आज आप रियून कॉइन की प्राइसेस देख लें क्रेडिट नहीं चाहिए भाई क्रेडिट नहीं देती पाकिस्तानी कौम क्रेडिट का तो चाहिए ही नहीं क्रेडिट तो चाहिए नहीं कि हाँ यार आपने कहा है मुझे याद है कि मैंने आपको बहुत दफा थीरियम का भी कहा है बारह पचास से लेके बारह अस्सी तक आप बाय करें क्यों नहीं करते आप बाय करें मसला यह है कि हमारी आवाम को चाहिए क्विक प्रॉफिट क्विक प्रॉफिट यार आज ही तो बाय की है अगले घंटे प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा दिस इज द थिंग कि हमें इस माइंड सेट से बाहर आना है तो मुझे नहीं पता कि कितने ऐसे और ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये मेरी वर्डिंग दोहरा सकते हो कि यार बिल्कुल आपने कहा है कि बारह पचास से बारह अस्सी तक आप थीरियम बाय करें क्यों नहीं करते आप क्या तकलीफ क्या है आपको कहा है मैंने जब जब भी आपने थीरियम का पूछा मैंने आप, आपने मुझसे और यहाँ तक मुझे फाइनली बता दें कि सेशन क्लियर हो गया आपको भाई आपसे कब से कह रही हूँ थीरियम की ट्रेड देते हैं आप देख ही नहीं रहे परम मेलिफिशेंट पहले आए मेरी बहन सबसे पहले आप ये बात देखें कि मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ रहा तो लॉजिकल बात है ना अब मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं थीरियम की ट्रेड क्यों दूँ मैं मेरा थीरियम के ऊपर इस टाइम सेंटिमेंट ही नहीं है कि मैं थीरियम की आपको ट्रेड दूँ तो आपने लेनी है तो आप ले लो लेकिन मैंने आपको थीरियम ट्रेड नहीं ना दे सकता के मैं बहुत नहीं हूं कि बिल्कुल जी आपने लेनी है ट्रेड तो आई होप सो यू अंडरस्टैंड थीरियम की अपडेट चलें जी आ बिल्कुल जी बहुत शुक्रिया जो जो भी बंदे मेरे साथ बंदे रहे हैं कोर्स हम लोग जो है बी की अपडेट के बगैर वापस नहीं जा सकते ये मेरा लास्ट सेशन था जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि ये आप ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं छोड़ें जी मट्टी पाओ हम अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या जोन है मैंने आपसे एक प्रडिक्शन की थी कि हम अब रिट्रेसमेंट एक्सेप्ट का एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर हमें बी ने दस परसेंट जो है एक पंप दे दिया है तो आप एटलीस्ट जो है उसका चार परसेंट तीन परसेंट तो लाजमी करेंगे तो खैर हमारा जो नेक्स्ट लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग का जोन है वो एक इम्पोर्टेंट जोन बन रहा है इक्कीस हजार पचास डॉलर के करीब ठीक है जी इक्कीस हजार पचास डॉलर के करीब ये ऐसा एरिया है जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मोस्टली चपेड़ें पड़ी हुई हैं ठीक है जी इक्कीस हजार पचास डॉलर तक का एरिया जो कि इसको हीट मैप के अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट रजिस्टेंस की दिए दे रहा है लेकिन यहाँ पर होपफुली 24 ट्वेंटी फोर आवर्स में जाएस के कोई ऐसी जियोग्राफिक न्यूज uh, नहीं आ जाती जैसे अनएक्सपेक्टेड पाम था कि यूके वालों ने अनाउंस किया कल एक रिपोर्ट भी आ रही है तो बी केयरफुल विद डेथ और uh, पहला जोन आपको क्लियर हो गया है एंड नेक्स्ट जोन के बारे में आपको गाइड करूँ तो एक तो गंद मार मार के मैं कहना है समझ आ जाए ठीक है जी ये जोन मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो जाना चाहिए इक्कीस हजार पचास का एरिया और नेक्स्ट जो हमारे पास रेजिस्टेंस है अभी देखें करंट प्राइस बीस हजार सौ छियालीस प्राइस चल रहा है तो आई एम एक्सपेक्टिंग के आ, हमारे पास जो प्रीवियसली टर्न हैवी रेजिस्टेंस थी वो इस टाइम स्पोर्ट का रोल अदा कर रही है तो बीस हजार तीन सौ ग्यारह के ऊपर जो है मैं इसकी सपोर्ट लेवल आपसे डिफाइन कर रहा हूँ और यही हमारा करंट लेवल है और इसी के दौरान उम्मीद है कि आपकी जो फोर आवर के टाइम फ्रेम पे आपकी मार्केट के घूमने के चांसेस हैं बैड कंडीशंस जाती हैं तो होपफुली कि हम ये 55 मूविंग एवरेज पर टच करेंगे कोई बुलशिट नहीं बता रहा ऊपर भी जाएंगे नीचे भी जाएंगे आपको हमेशा क्लियर डायरेक्शन बताता हूँ कि भाई उतने जाए चपेड़े पर का एरिया ना ट्रेड तो वहाँ भी बन रही है नीचे जा रहा है तो पंप होने के चांसेस हैं ट्रेड तो वहाँ भी बन रही है आई होप सो यू गाइज अंडरस्टैंड तो कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी और मैंने कौन से ऐसे दो इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए हैं जिनको आपने याद रखना है बेसिकली आज मैंने आपको जो स्पेशली अः जिस चीज के ऊपर में गाइड किया है वो करवाई है लर्निंग लर्निंग के ऊपर आपको फोकस करवाया है कोई डायरेक्ट ट्रेड नहीं दी आपने ये बात याद रखनी है और ये उस जोन में जाना शुरू हो गया है लेट सी कि ये पॉइंट एट नाइन के एरिया तक जाता है और यहां से ऊपर आपका स्टॉप लॉस है ठीक है डॉज क्वाइन तो आई गेस लाजमी एलन मस्क भाई ने आज कुछ छेड़ा छाड़ी की होगी तो जिसकी वजह से ये बेचारा ऊपर जा रहा है तो इस जोन के ऊपर आपने देखना है के पॉइंट से ऊपर इसको चपेड़े पहाड़ी यानी पहाड़ी और अदरवाइज आर तो कह रही है पढ़नी चाहिए ऑलमोस्ट ये डंप ही हुआ है यहाँ से यहाँ से डंप हुआ था यहाँ तक लेकिन अब फिर इसने टोन पकड़ी हुई है कोई ट्रेड है क्या दी सपोर्ट की भाईजान क्लियर हो गया पांच दफा इग्नोर हुआ हूं खैर है भाई अभी नाम पहली दफा पढ़ रहा हूं। अब वो उसका जवाब मैंने दिया है तो आई गेस तुम तुम्हारा अगर यही सवाल होता तो मैं तुम्हें जवाब दे देता ट्राई टू अंडरस्टैंड ब्रो मैं आपका पढ़ूंगा तो आपका जवाब दूंगा बाइंग इलेवन पॉइंट थ्री की होल्ड करें कोई इशू नहीं है अंटिल अंटिल आप बिटकॉइन की बिटकॉइन आपका जैसे ही बाईस पांच सौ से ऊपर चला गया इन ताला जो है आप देखेंगे कि आपकी ये ट्रेड कवर हो जाएगी यूनी वाली यूनी यूनी स्वैप का कॉइन है डी दी, एक्सचेंजेस के अंदर यूनी स्वैप टॉप पर आती है तो आप देखेंगे कि वो कॉइन कवर हो जाएगा अंटे अभी तो कुछ भी नहीं है ना अभी तो वेट ही कर सकते हो आपको हौसला चाहिए था ना किसी क्रेडिबल पर्सन का वो मैंने आपको हौसला दे दिया आई होप सो यू अंडरस्टैंड बहुत बहुत शुक्रिया ओके okay जी ब्रो थैंक यू वेरी मच आपको समझ आया अच्छा जी वो कह रहा है ट्विटर की डील हो गई है पता नहीं अगर ट्विटर की डील हो गई है आई विल चेक पर्सनली एज वेल ऑनेस्टली मैं आपसे मैं आई आपको कहूँगी जी अच्छा जी हो गई है ये हो जाना वो हो जाना है मैंने डील अभी उसकी न्यूज़ नहीं देखी अंडेनरस के मैं वेरीफाई ना करूँ तो <coughs> हां जी जी चपेड़े मतलब ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੋਲ ਲਾ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਕਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵहां से रिजेक्शन ਏਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵहां से ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੇ نیچے ਜਾਣਗੇ ਜਹਾਂਸੇ ਚਪੇੜ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦੇ ਏਰੀਆ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬੜੀ फास्ट इन आउट हो रहा होता है समटाइम्स अभी ये गया फिर नीचे आया है, तो बड़ा इन आउट इन आउट इन आउट वाला सीन होता है क्योंकि ये जब इस टाइम इसकी बहुत ही कंडीशंस ओवर सोल्ड ओवर बोट में जा रही होती है ना तो आपने इन आउट इन आउट करना होता है तो स्मार्ट ब्रेन कैन ऑलवेज मेक मनी ब्रो स्मॉल ब्रेन कैन ऑलवेज मेक मनी थैंक यू वेरी मच कायज मैं आपका बहुत शुक्र गुजार हूँ आप नसीब वाले लोग हैं जो मेरे सेशन में आके बैठे हैं तो इन शाल मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में इंतहाई आ, लर्निंग से भरपूर नसीब में हुआ तो अर्निंग से भरपूर तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक का सेशन आपको क्लियर है कोई मसला नहीं है तो स्टे प्लेस स्टेट यूनिशाला मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर